नमस्ते भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल फिल्मी अनबॉक्सिंग के अंदर। और हम हमारे चैनल के अंदर मूवी और उनके ट्रेलरों को रिव्यू करके उनको खुल कर रख देते हैं ताकि सीधी और सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाए, ताकि आपका समय और पैसा दोनों बचे। जी हाँ, और आज हम जिस मूवी के रिव्यू की बात करेंगे वो है भूल भुलैया 2। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, भूल भुलैया 2। भूल भुलैया 2 की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भूल भुलैया फर्स्ट भी आ चुकी है, जो कि सन 2007 में आई थी, जिसके अंदर आपको एक्टिंग करते नजर आए थे अक्षय कुमार, विद्या बालन, अमीषा पटेल, शाइनी आहूजा, राजपाल यादव, परेश रावल जैसे दिग्गज कलाकार, जिन्होंने अपने एक्टिंग, डायलॉग और अपने किरदारों से इस पिक्चर में जान डाल दी थी और पिक्चर सुपर हिट हुई थी और इस पिक्चर का म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। तो अब बात करते हैं भूल भुलैया 2 की। देखो, भूल भुलैया फर्स्ट और भूल भुलैया 2 की कंपेरिजन करा जाए तो भैया ये भूल भुलैया 2 भूल भुलैया फर्स्ट के बराबर नहीं है, पर हाँ, फिर भी भूल भुलैया 2 बहुत अच्छी पिक्चर है और फाइनली बॉलीवुड में वो पिक्चर आई है जिसको आप देख सकते हो और एंटरटेन हो सकते हो। बॉलीवुड में बहुत ही दिनों से फ्लॉप पिक्चरें चल रही थी, पर अब ये एक ऐसी पिक्चर है जो कि भैया हिट जाएगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये पिक्चर बहुत ही एंटरटेनिंग है जिसको मैं देख के आया हूं और ये पिक्चर बहुत ही अच्छी है। पिक्चर की यदि कहानी की बात करें तो पिक्चर की फर्स्ट और सेकंड की कहानी बिल्कुल अलग है। पिक्चर भूल भुलैया फर्स्ट में अलग कहानी थी, भूल भुलैया 2 में अलग कहानी, पर हाँ, कॉन्सेप्ट एक ही है जो कि हॉरर कॉमेडी और वो ही विलन जो कि भूल भुलैया फर्स्ट में था। देखो, बात करें फिल्म की कहानी की तो कार्तिक आर्यन एक ऐसा लड़का है जो कि लौंडे लपाड़े आप जानते हो किस तरह के होते हैं कॉलेज लाइफ में, उस टाइप का एक लड़का है जो कि एक लड़की के प्यार में फंस जाता है या प्यार कर बैठता है, आप कुछ भी कह सकते हैं, और उस लड़की को बचाने की ठानता है। और जब वो जाता है तो उसको पता लगता है कि भैया ये तो भूत बीमारी है, और उसको भगाने के लिए फिर वो अपना प्रयास करता है और आपको पता ही है फिर कि आगे वो क्या करता है। और बस इसी के बारे में इस पिक्चर के अंदर स्टोरी को बताया गया है। फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही अच्छा है, जिसे देखने में आपको बहुत मजा आएगा। सपोर्टिंग रोल में आपको नजर आएंगे तब्बू और राजपाल यादव, संजय मिश्रा जैसे दिग्गज कलाकार। तब्बू ने भी अपना काम बहुत करा है, यहाँ तक कि फिल्म के सेकेंड हाफ को तब्बू की वजह से ही बचा के रखा गया है। यदि तब्बू नहीं होती तो शायद फिल्म का सेकेंड हाफ आप देख ही नहीं पाते, तो इसलिए आप यहाँ। और भैया, राजपाल यादव और संजय मिश्रा ने तो अपना काम करके दिखाया, वो तो किंग भी है। राजपाल यादव भूल भुलैया फर्स्ट में भी थे और भूल भुलैया 2 में भी हैं। उनका अवतार थोड़ा सा अलग है इसमें, पर हाँ, बाकी सेम, थोड़ा हल्का फुल्का मिलता जुलता आपको मिलेगा। और भैया, कार्तिक आर्यन की एक्टिंग की बात करें तो भैया कार्तिक आर्यन ने अपनी एक्टिंग से झंडे गाड़ दिए हैं भैया, इसमें कोई शक नहीं है। कियारा आडवाणी ने एक्टिंग सही करी है, खास तो नहीं, पर बाकी वो अपने रोल में फिट है। हाँ, कपड़े उन्होंने बहुत अच्छे पहने हैं, यदि लड़कियां इस पिक्चर को देखेंगी तो उनको फैशन का नया ट्रेंड मिलेगा जो कि उनमें कियारा आडवाणी ने पहने हैं। बात करें संजय मिश्रा राजपाल यादव की, तो एक्टिंग के उनके बारे में तो बोल ही नहीं सकता भैया, एक नंबर करिए और अपने किरदारों में जान फूंक दिए। और तब्बू के लिए मैं बहुत तारीफ करूंगा कि उनको कोई भी कैरेक्टर दे दो वो उस कैरेक्टर के ढल जाती है और उस कैरेक्टर के अंदर जाल डाल देती है, जान डाल देती है, और तब्बू ने वही गिरा। और बात करते हैं पिक्चर के म्यूजिक की, तो भैया म्यूजिक इसमें कराया अरिजीत सिंह ने, और भैया जो पहला म्यूजिक था उसकी बराबरी तो खैर नहीं कर पाऊंगा, पर फिर भी अरिजीत सिंह ने अपनी ताजगी और कुछ नया अपन इस म्यूजिक में डाला है। हाँ, मुझे तुम्हार, आपको पता है ना, ये म्यूजिक बहुत ही फेमस हुआ था भैया। अरिजीत सिंह ने फिर भी अपनी पूरी मेहनत करी और अपना 90% दे दिया है, पर हाँ, फिर भी उसकी टक्कर का म्यूजिक नहीं है। फिल्म का जो VFX है बहुत ही अच्छे हैं, थोड़ी मूवमेंट्स में आपको ऐसा लगा कि कुछ हल्का है, पर बिल्कुल इंडियन सिनेमा के हिसाब से VFX फिर भी सही है, पर हाँ, इसमें थोड़ी और बढ़ोतरी की गुंजाइश हो सकती थी। फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग की गई है, एडिटर लिखा गया है, और फिल्म की जो सिनेमोग्राफी है वो भी बहुत अच्छी है, और फिल्म को डायरेक्ट कराया अनीस बज्मी ने, जो जिन्होंने भी अपनी पूरी मेहनत से इसमें काम कराया, ये आपको फिल्म के अंदर दिखेगा। जो भूल भुलैया फर्स्ट थी वो डायरेक्ट करी थी प्रियदर्शन ने, जो कि कॉमेडी किंग है, आपको पता ही है कि उनकी बहुत सारी पिक्चर है, हंगामा, हेरा फेरी 2 और बहुत ही सारी ढेरों पिक्चर प्रियदर्शन ने बनाई है। फिर भी इस पिक्चर को जब भी आप देखोगे तो भैया कार्तिक आर्यन की एंट्री पे आपको सीटी बजानी पड़ेगी, क्योंकि हॉल में सब सीटी बजाएंगे, और बहुत ही एंटरटेनिंग पिक्चर है, आप इसको पूरी देख पाओगे। और बस थोड़ा सेकंड हाफ थोड़ा लंबा है, पर थोड़ा कम कर सकते थे पिक्चर वाले, पर फिर भी आप उसको देख सकते हो और एंजॉय ले सकते हो, और अपने परिवार के साथ आप इस पूरी पिक्चर को देख सकते हो, और ये बहुत ही अच्छी पिक्चर है, एंटरटेनिंग पिक्चर है। बस हाँ, फर्स्ट टाइम वॉच ये पिक्चर है, आप इसे एक ही बार देख सकते हैं, पर फिर भी कार्तिक आर्यन ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है और आपको समा बांध दिया है ताकि आप इस पिक्चर में रुक सकें और इसको देख सकें। बाकी बॉलीवुड में बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी पिक्चर आई है, तो इसको आपको जरूर देखना चाहिए, और एंटरटेनिंग पिक्चर है तो आप इसे जरूर देखने जाएं। और इस समय शायद बच्चों के भी एग्जाम शायद खत्म हो गए, तो आप उनके साथ भी देख सकते हैं और अपने फैमिली के साथ भी इस पिक्चर को देख सकते हैं। यदि आपको इसी तरह के ट्रेलर और रिव्यूज और जानने हैं तो आप मेरे YouTube चैनल फिल्मी अनबॉक्सिंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।